के हिसाब से स्वागत आपका एक नए वीडियो में। गाइस अगर आप भी हापुड़ से हैं और आप सोच रहे हो भाई पतंग कहाँ मिलेगी सस्ती और बढ़िया, तो मैं आपको ले आने वाला हूँ लोकेशन में कि भाई बहुत ही सस्ती पतंग मिल रही है और बहुत ही बढ़िया पतंग। आजकल भाई हर कोई ये चाहता है कि उसे बढ़िया चीज मिले, गारंटी चीज मिले, तो मैं ले आने वाला हूँ तुम्हें वहाँ पे दुकान पे। तो भाई मैं कौन सी दुकान की बात कर रहा हूँ, तो चलो सीधा तुम्हें भैया के मिलता हूँ। तो गाइस भैया के पास आ गया हूँ मैं, तुम्हें दिखाता हूँ अंदर कितनी बढ़िया पतंग मिल रही है। और ये देखो भैया की दुकान, तो देखो यहाँ हमारे भैया बैठे और देखो अंदर कितनी सारी पतंगें रखी है भैया के पास। ये देखो एक से एक बढ़ के, और देखो यहाँ मंजा वंजा रखा है, और देखो बड़ी पतंग भी रखी है। अभी भैया से रेट सब मालूम करेंगे और आपको बताएंगे कौन सी बढ़िया पतंग चल रही है और कौन सी आपको लेनी चाहिए। ये देखो भैया ने फाल लगा रखा है पूरा, देख रहे हो सामने भी दो दुकानें हैं पर सबसे बड़ी भैया की दुकान है यहाँ पर। तो भैया की काफ़ी पुरानी दुकान में, वो सब मैं आपको भैया से पूछवाता हूँ। अभी बैठे हमारे भैया, भैया क्या हाल है आपके? भैया क्या नाम है, नाम बता दो पहले। भैया तो आप बताओ कि आपकी दुकान कितनी पुरानी है वैसे यहाँ पे? लगभग 35 साल के लगभग। 35 साल चल रही है, तो भैया काफ़ी ज़्यादा पुरानी दुकान और काफ़ी ज़्यादा नामी दुकान भी है। तो भैया आपके पास कौन सी बढ़िया पतंग मिल रही है इस टाइम? हमारे पास बढ़िया अगर पोनी में बात करें तो ये पोनी पतंग है मैदानी। अच्छा मैदानी पतंग है वाली। 19 रुपए की। कितने रुपए की? 19 रुपए की। 19 रुपए की पतंग एक 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 पतंग। और अगर ऐसे पूरा बंडल लेते हैं? ये चाहे मैदानी पतंग है, आप चाहे 100 पतंग भी ले लें तो 19 रुपए के हिसाब से ही मिलेगी। अच्छा ये वाली पतंग 19 रुपए की मिलेगी। तो देखो एकदम परफेक्ट पतंग लग रही है, तो सामने से मतलब जो कोई वो नहीं है टेढ़े मेढ़े बिल्कुल भी, जो डिफेक्ट होता है क्या बात है। और दिखाओ भैया पतंग। ये तो मैदानी पतंग हो गई। ये नॉर्मल छत पर उड़ाने वाली अद्धी पतंग है। ये नॉर्मल छत पर उड़ाने वाली, ये कितने की है? ये 9 रुपए की पतंग है। ये 9 रुपए की है। इसमें भी दो तरह की वैरायटी होती है, यही साइज यही होता है, 7 रुपए में भी होती है। अच्छा एक ये इससे छोटी मझोली पतंग होती है, इसी की पतंग है, ये 6 रुपए की है। 6 रुपए की वाली। तो देखो कितने ज्यादा फर्क है भाई, देख रहे हो? ये देखो बनावट फर्क है सारा। इन पतंगों में ये फायदा है 100 की 100 पतंग ऐसी निकली, ये ऐसी निकली सारी। तो ये पतंग एकदम बढ़िया है, मतलब बच्चों के लिए सबसे बढ़िया पतंग है वाली। फिर उसके और बाद हम बात कर रहे हैं पिन्नी में फैंसी की, तो ये पतंग है। ये फैंसी पतंग है, ये 25 रुपए के। तो कलर मिल जाएंगे वो सारे? हाँ, इसमें कलर होंगे। कलर होंगे तो देखो कितनी यार शानदार लग रही वाली पतंग भी, देख रहे हो भाई? हाँ एक हमारे पास ये भी पतंग हुई, ये देखो भाई नजर वाला, ये 40 रुपए की पतंग है। तो देखो 40 रुपए कितनी ज्यादा बड़ी पतंग है भाई, देख रहे हो? पूरा अगर तुम ले आओगे ना अपने घर में उड़ाओगे पूरा मोहल्ला देगा तुम्हें। देखो खैच एकदम बड़ी होएगी बिल्कुल। एक बात थोड़ा ऐसा दिखाना, झटका दो जरा, झटका दो। देखो भाई पूछ भी एकदम हिल रही है पूरी, कितनी ज़्यादा बढ़िया चल रही है। और देखो बाकी तो भैया पर छोटी छोटी ये भी हैंगी पर देखो मेन तो यही है बड़ी पतंग, तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पतंग है। और दिखाओ भैया कुछ। और प्रिंट में बात करें, प्रिंट में छोटे बच्चों के लिए और छोटे बच्चों के लिए डोरेमोन और छोटा भीम भी भैया के पास। देखो और मतलब सारी कार्टून मिल जाएंगी, जो भी बच्चों को पसंद है अपने आके ले जाएंगे यहाँ पे। ये कितने की मिलेगी? ये 6 रुपए की पतंग। ये 6 रुपए की एक है, ये 6 रुपए की एक है। और वाली कितने की भैया सामने रखी है? ये पतंग 10 रुपए की 4 है। ये 10 की 4 है, ये छोटे बच्चों के लिए। अच्छी हाँ मतलब बिल्कुल बढ़िया। ये वैसा एक लेंगे कितनी पड़ेगी? एक ये 3 रुपए की, वैसे 10 की 4। वह 10 की 4 है, 10 की 4 फायदा। तो देखो सारी ऐसी रखी है नॉर्मल पतंग। और सबसे सस्ती पतंग कौन सी आप पे? सबसे सस्ती ये वाली पतंग है 10 की 5, 2 रुपए की एक। 10 की 5, 2 रुपए की एक। तो देखो ये बढ़िया है बिल्कुल उससे भी। और कागज में दिखाओ सस्ते में। कागज में सबसे छोटा साइज ये वाला, ये 4 रुपए की। ये 4 रुपए की है। और अगर जैसे अगर इकट्ठा लें तो उसमें थोड़ा लेस होएगा? 3.5 रुपए की लग जाएगी बंडल लेंगे तो। तो देखो ये बिल्कुल बढ़िया पतंग है भाई, अगर छोटे अगर तुम ले रहे हो ना तो सही है एकदम फ्रेश। हाँ बिल्कुल एकदम सीधे में, बिल्कुल बढ़िया पतंग निकलने वाली है सारी। हर तरह की हमारे पास आने वाला धागा होगा। तो धागा दिखाओ, धागा में कौन सा चल रहा है बढ़िया एकदम, जिसे डोर कहते हैं? ये वर्धमान कृष्णा का है ओरिजिनल धागा। ये वर्तमान है 90 रुपए का। ये 90 रुपए का, ये कृष्णा भी 90 रुपए का। ये दोनों 90 रुपए की। सबसे ज्यादा बढ़िया कौन सा दोनों में से? दोनों पोर्ट से डोर हैं, दोनों ही बढ़िया डोर हैं। अच्छा दोनों ही अपने आप में बढ़िया डोर हैं, काफी पुरानी डोर है, बढ़िया चलती आ रही है। और बाजी अगर थोड़ा कम ले में इस्तेमाल करते हैं तो ये होता है ये 150 रुपए का। ये 150 रुपए का ज्यादा निकलेगी इसमें। ये बढ़िया इससे, इससे ही बढ़िया है। देखो अच्छा मोटी वाली है वाली। हाँ देखो आपको कलर वाली रखी है, कलर वाली में क्या है भैया? कलर में बस
बस कलर चेंज है, रंगीन कर देते हैं कलर डाल के, बाकी डोर यही होती है। बाकी वही रहेगी डोर, बाकी डोर यही होती है। अच्छा, और कोई डोर दिखाओ जो रखे हैं छोटी में, अगर जैसे कोई छोटी भरवानी है डोर, ज्यादा नहीं भरवानी। वो 20 की है, तो देखो 20 की भी है भैया के पास डोर। ये चीता की डोर है 20 रुपए की। हाँ मतलब सही है, अगर बच्चों के लिए लेना है छोटा एकदम। हाँ कंपनी में ही बात करें डोर की, तो ये वर्तमान वालों की हाई फ्लायर की डोर है, ये 40 रुपए की। अच्छा 40 रुपए की है। ये देखो छोटी भाई 40 रुपए की, मगर धागा मतलब कंपनी है इसमें। हाँ जो है ये वर्तमान। हाँ तो वही फर्क है, 20 रुपए और देखो 40 फर्क क्वालिटी में आ गया ना, 20 रुपए का पूरा लेंथ उससे डबल। हाँ तो भाई देखो ये है फर्क कुछ। और अब मंजा दिखाओ। बात कर रहे हैं मंजे की, ये शकूर का मंजा है, शकूर का स्पेशल। अच्छा ये 2000 रुपए का चरका है, 12 2000 रुपए चरका। कितनी रील है इसमें? 12 रील निकलेगी। और ये हमारा गुड्डू चमन का है, ये 2500 रुपए का चरका है। ये 2500 रुपए का है ये गुड्डू चमन का, 2500 रुपए का। देखो भाई कितना ज्यादा महंगा है। इसमें कितनी रील है वैसे? 12। इसमें ही 12, तो यानी कि तो बढ़िया है फिर तो, उससे 2500 का। ये पांडे का मंजा, ये पांडा है, मैदानी मंजा है ये भी। हाँ इसकी दो रील की चरगी 600 रुपए की, दो रील की चरगी 600 रुपए की। वैसे अगर एक भरवा में कोई सी, एक भरवाओगे तो इसकी रील 300 रुपए की है। हाँ इसकी, इसकी पांडे की, पांडे की। और अगर इसकी भरवा में अकेले में एक, इसकी 250 रुपए की, इसकी 250 रुपए की है एक। एक ये डोर हमारी मुनक्का उस्ताद की है, ये वाली दिखाना जरा, मुनक्का उस्ताद। ये कितने का है? ये 1000 रुपए की चरखी है, 6 रील। अच्छा ये सस्ता है बुरा है, पर मैं थोड़ी क्वालिटी कम होएगी। 1000 रुपए की चरखी है, मतलब यार तो मैदानी को उससे ले रहे हो ना भाई, ये वाली ले जाओ आग बंद करके। हैं अरशद भाई का ये पैराडाइज के नाम से मांजा है। हाँ बहुत बढ़िया मांजा बनाते हैं और अरशद भाई। फिर ये कितने का है? इनका भी 1050 रुपए का, 1050 छह रील। सही है, तो सबसे ज्यादा महंगा अब तक तो ये है गुड्डू चमन का। गुड्डू चमन भाई लगी है, यही ले जाएंगे भाई हम 20 बार। एक हमारी गुलाम साबिर की भी चल रही है, अंदर रखी है, मांजा बहुत अच्छा है, मांजा बहुत बढ़िया। गुलाम साबिर का ये वाला 1100 रुपए की चल रही है, इसकी 6 रील की चल रही 1100 रुपए की। 6 रील की 1100 रुपए की। ओ भाई धार दिख रही है, धार आ रही है, हाथ कट जाएगा बिल्कुल। तो काफी ज्यादा बढ़िया मन जाएगा, तो मैदान के उससे ले रहे हो ना, तो मैदान सफा कर दोगे तुम पूरा। तो भैया तुम्हें कोई फेक ओरिजिनल भी आते हैं कोई? हाँ कॉपी बना देते हैं लोग। हाँ हमारा जो माल आता है मालिक से ही डायरेक्ट आता है, किसी से बीच वाले से नहीं। तो ये भी फायदा देखो, तुम भैया के पास से लोगे तो ओरिजिनल माल मिलने वाला है तुम्हें, और भी ऑथेंटिक मिलेगा, कोई किसी साथ की शिकायत नहीं मिलेगी तुम्हें। और बाकी तो तुम पे देख लो, भैया के पास खूब ज्यादा स्टॉक भरा हुआ है अंदर तक देखो, और सारा फ्रेश माल है। भैया अब चक्री दिखाओ, खाली चक्री कितने की है? ये तो बच्चों की है, कितने की है? ये 10 की है, ये 20 की है। अच्छा ये 15 की है, 5, 10, 20, 15 है। और सबसे महंगी वाली दिखाओ, मतलब ये 55 की है, ये वाली 55 की है, ये 55 की है। ये देखो भाई 55 की, मतलब कृष्णा की डोर आ जाएगी पूरी इसमें। हाँ जी भैया। हाँ ये बढ़िया बिल्कुल, ये अगर और बढ़िया लेना है तो उससे। ये 70 रुपए की है, देखो भारी भी है भाई। हेलो, अलग ही लग रही है क्वालिटी है ना इसमें। तो ये देखो अपनी डोर भरवा लेना इसमें, मतलब सब पूरा तुम्हें सारा सामान मिल जाएगा, कहीं इसमें जाने जरूरत नहीं है फिर अगर आ गए तो। बाकी तो भैया यहाँ से मशीनों भर देंगे, यहाँ लगा देंगे भाई, चटकनी चालू कर देंगे। ये बात दिखाओ जरा, ये देखो भाई ऐसी डोर भर देंगे पूरी, ये देखो। तो भाई अभी तो हम जरा बना रहे हैं ना, उसके बाद जब हम भरवाना आएंगे तो मैं तो अलग वीडियो दिखाने वाला हूँ तुम्हें वाली, जब भैया से शॉपिंग करना आएंगे पूरी। तो भैया ठीक है बंद कर दो, ये देखो बाकी तुम्हारे डैमो मिल जाएंगे बाहर लगे हुए, पर अगर तुम्हें चक्री चाहिए ना पूरी चक्री, भैया अंदर निकाल देंगे, क्योंकि भाई बाहर अगर खराब भी होता है थोड़ा, हाथ लगते हैं ना। हाँ हाथ लगते हैं, लोग देखते हैं टेस्ट करें तो हाथ लग के भाई बेकार होता है, इसलिए अंदर रखे रखते हैं। तुम लोगों तो भाई तुम्हें फ्रेश मिलेगा पूरा। तो इस साल मार्केट में नई लॉन्च हुई है भैया, क्या नाम है पतंग का? एप्पल सेब है, एप्पल कटिंग है ये। तो देखो एप्पल कटिंग, ये देख रहे हो ना फर निकलने दो दो भाई, उधर कनाडा वाली कितनी मस्त लग रही है, ये भी मैं भैया से लेने वाला हूँ कनाडा वाली। तो देखो कितनी ज़्यादा बढ़िया लगेगी हवा मोड़ के, बढ़िया है, नई चीज़ें हैं, बढ़िया भाई। कितने की है ये? 7 रुपये, ये 7 रुपये मिलने वाले भाई, देखो बस 7 रुपये की।
और भाई अगर तुम्हें छोटे छोटे बच्चों के लिए लेनी है ना भाई ऐसी आर्टिफिशियल, तो 10 रुपए की मिल जाएगी तुम्हें भैया के पास। देखो 10 रुपए कोई से भी ले लो। देखो भाई अब तुमने बड़ी देखी थी ना, बड़ी से छोटी है ये देखो, छोटी वाली कितनी मस्त लग रही है। और छोटी उड़ानी है, कितने मिले भैया? ये 10 रुपए की पता है भाई, तो 10 रुपए मिलेगी बस। ये देखो 10 रुपए कितनी ज्यादा बढ़िया है, देखो प्रिंट मिल जाएंगे उसमें। और जो इसका मस्त लग रहा है ना भाई, निकल ले देखो, जो झालर से निकल लिया ना भाई, हवा में उड़ेगी तो मस्त लगने वाली है, बहुत ही बढ़िया। ये देखो, और ये देखो भैया के पास कैंडल मिल जाएगी भाई, जो आसमान उड़ाते हैं भैया। कितने मिलेगी ये? इसमें 100 रुपए की 4 है। 100 रुपए की 4? इसमें जो अच्छी वाली क्वालिटी के है, 100 रुपए की 5 आती है। हाँ वो वाली नहीं रखते हम, उसमें शिकायत भी आती है, इसमें शिकायत नहीं आती। शिकायत नहीं, फटी हुई निकलेगी अंदर जाए, निकल जाती डिफेक्टेड। तो देखो भाई कितनी बढ़िया लगनी है ये। तो भैया के पास भाई पतंग के साथ साथ कैंडल मिल जाएंगे, अपना सारा काम हो जाएगा तुम्हारी दुकान पे। देखो गाइस कितना ज़्यादा स्टॉक रखा है भैया के पास, भाई हर तरह की पतंग मिल जाएगी तुम्हें यहाँ पे। तो देखो बिल्कुल फ्रेश माल है, कोई भी रखा हुआ माल नहीं है। देखो एक पतंग एकदम अलग ही है, ये देखो भाई फुल स्टैम्प के साथ भैया के पास पतंग मिलेगी तुम्हें। ये देखो भाई बरेली का माल है सारा, ये देखो भाई, ये देखो सारा मंजा रखा है बिल्कुल सही। ये देखो इधर भाई चक्री भाई चक्री, इधर देखो, ये देखो तिरंगा पतंग भाई, ये देखो ऊपर तक स्टॉक है भाई पूरा। ये देखो भाई बड़ी पतंग, ये लो भाई। और बाकी भाई उससे थोड़ी बड़ी पतंग है जो बाहर दिखाई तुम्हें छोटी सी, और देखो छोटी पतंग अलग कार्टून टाइप हर चीज़। और ये कैंडल है जो मैं दिखाई आपको, तो ये देखो भाई। भैया और कुछ मेरे सब्सक्राइबर कह रहे हैं कि प्लास्टिक के मंजे क्यों नहीं है, कहाँ मिलेंगे, तो यार प्लास्टिक के मंजे बताओ क्यों नहीं लेने? प्लास्टिक का मंजा अगर देखा जाए तो वो हर तरीके से हानिकारक है। वो तो है पक्षियों के लिए भी और मनुष्य के लिए भी। अब हम आमतौर पर हम बाइक पे ही जा रहे हैं, किसी फ्लाईओवर पे हैं या रोड पे कहीं जा रहे हैं, अगर बाइक पे चलते हुए गर्दन पे आ गया या हाथ पे आ गया तो बिल्कुल ख़त्म कर दो, क्योंकि प्लास्टिक मंजा आसानी से टूटता नहीं है। सारे ही अगर युवा अगर प्लास्टिक का मंजा इस्तेमाल ना ही करें तो बेहतर है। तो बैन भी तो है इसके लिए? सरकार ने बैन इस पर तकरीबन 5-6 सालों से लगा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश है इसमें, मगर फिर भी लोग बेच रहे हैं, चोरी छुपके लोग हैं जो बेच लेते हैं, और कहीं ना कहीं उससे नुकसान होता ही होता है। मतलब उससे अपना ही नुकसान है अगर ले रहे हैं तो? दो चार केस सुनने में आ ही जाते हैं। हाँ या ज़्यादा भी। तो भाई वही मैं सबसे कहना चाहूँगा, इस बार प्लास्टिक के मंजे ना यूज़ करें, अपना वाला सकूर के मंजे यूज़ करें। बढ़िया काटते हैं, बढ़िया मंजे हैं, तुम ये मत जाओ भाई प्लास्टिक बरेली के मंजे हैं यार, तुम ये तो देखो। आजकल के युवा ये देखते हैं कि बस ये टूट गया, भाई ये कच्चा है, भाई ये असली धार इसमें ही होती है। इसमें ये हवा पे, हवा में जब ये मंजा होगा, जब ये तनेगा तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिक इसमें धार, ये प्लास्टिक की सुतली को भी काट देगा। वही तो, पर लोग समझते नहीं है ना कुछ, पर ये देखते हैं कि भाई ये तो यूं टूट गया, ये टूट नहीं रहा, मगर ये तो टूटने के मामले में तो प्लास्टिक की सुतली हम खींचे तो नहीं टूटेगी, मगर हवा में ये मंजा काट देगा उसको। तो भाई वही बात है, मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ भाई, बैन लगा हुआ है, ना तो किसी से लो ना किसी को उड़ाने दो, अपना ये वाला सकूर का मंजा लो, नॉर्मल बढ़िया है। लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा, जो हमारा सकूर है खुद ही ना इस्तेमाल करें। बिल्कुल भैया, एक बार दुकान का नाम और बता दो। छोटी वाला काइट शॉप। और ये कहाँ पे मिलेगी दुकान? ये मेरठ गेट पुलिस चौकी हापुर में, बिल्कुल चौकी के बराबर में। ये भाई देखो ये वाला एड्रेस है ना, ये देखो सामने पान वाले की भैया की दुकान है ना, इसके बिल्कुल सामने भैया की दुकान है। और तुम्हें देखो ऊपर मिल जाए लिखा हुआ चोटी वाले काइट है ना, तो देखो यहाँ भैया की अलग ही दुकान मिल जाएगी तुम्हें सामने। बाकी देखो उनकी छोटी छोटी दुकान है, तो भैया की दुकान अलग दिख जाएगी, तुम आ जाना और भैया से ले लेना। भैया अगर कोई आएगा मेरे चैनल का नाम लेकर थोड़ा कम कर लोगे? हैं कुछ ना कुछ बिल्कुल कम करोगे? तुम्हारी बात बिल्कुल लगेंगे। तो देखो भाई अगर तुम चैनल का नाम लोगे, मेरी वीडियो देख कर आ रहे हो भैया के पास, तो भाई तुम्हें कम हो जाएगा, ठीक है? तो बिल्कुल चिंता मत करना और भैया से लेना, सामान बिल्कुल बढ़िया मिलने वाला है आपको। तो गाइस आई होप सबको पूरी इन्फॉर्मेशन मिली होगी इस वीडियो में, तो भैया ने सब कुछ बता दिया है कि भाई क्या क्या वहाँ मिलने वाला है, क्या क्या उधर आपको रेट मिलेगी। तो भाई अगर आप मेरे चैनल का नाम लोगे तो भाई आपको थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा, तो फायदा उठा लेना चीज़ का। और हाँ अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक कर देना, और नया चैनल पे है ना भाई चैनल जो सब्सक्राइब कर दो अभी, और कमेंट कर बताना तुम्हें सबसे ज़्यादा बढ़िया पतंग कौन सी लगी। और हाँ भाई पतंग के ब्लॉग तो बहुत ज़्यादा आने वाले हैं, तो सब्सक्राइब करके ही रखना चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय।